नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। टोक्यो में जारी ओलंपिक में आज हिंदुस्तान के पास इतिहास रचने का मौका है। महिला हॉकी टीम की सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के साथ भिड़ंत जारी है। भारत की बेटियों के सामने आज इतिहास रचकर पहली बार ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने का चांस है। पूरे देश की नजरें आज टोक्यो में टीम इंडिया पर टिकी है और 125 अरब लोगों की दुआएं देश की बेटियों के साथ है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात दी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पहुंचते ही महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया, लेकिन अब जब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से भिड़त है तो सोने पर सुहागा पाने का मौका है, क्योंकि अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो ऐसा पहली बार होगा कि महिला हॉकी टीम के खाते में ओलंपिक का गोल्ड या सिल्वर मेडल होगा। इस ओलंपिक में भारत की टीम की शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं हो पाई थी। पहले मैच में नीदरलैंड्स ने टीम इंडिया को 501 से मात दी, फिर जर्मनी ने 2-0 से टीम इंडिया को हराया। आपको बता दें, भारत की 16 बेटियां रच रही हैं इतिहास, जिनका नाम है रानी रामपल, नेहा गोयल, निक्की प्रधान, निशा वारसी, लाल रेम शियामी, सुशीला चानू, दीप इक्का, सलीमा तेते, उदिता दुहान, वंदना कटारिया, नवनीत कौर, मोनिका मलिक, गुरजीत कौर, शर्मिला देवी, नवजोत कौर और सविता पुनिया।